हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम व्लॉग्स। आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ पॉकेट स्केल का, जो कि हमें मिला है 200 ग्राम का। और ये एक्चुअली जो जितने भी ज्वेलर्स हैं, यानी सोनार जो हैं, सोना चांदी का नाप करते हैं, या जेमस्टोन वाले हैं जो अपना नाप जो तोला या कैरेट में करना चाहते हैं, उनके लिए है ये पॉकेट स्केल है। यानी इसको हम हमारे साथ में कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। मैंने जिस वेबसाइट से परचेज़ किया है, फैक्ट्री डार्क नाम से वेबसाइट है, जिसका आपको बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होलसेलर हैं, मार्केट में जो भी प्राइस है उससे काफ़ी कम दाम में यहाँ पे आपको मिलेगा। और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वेट स्केल है इनके पास आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ में ही आपको वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है। और अभी हम जो हमारी पॉकेट स्केल है उसमें हम सेल जो हैं डाल देते हैं। यहाँ पर 4 लेग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। नीचे रखने के बाद हम इसमें अपना वेट स्केल नापते हैं। ये इसकी जो एक्यूरेसी है वो आपको 0.01 ग्राम की एक्यूरेसी देगा। और यहाँ पे उसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे ग्राम, ये ओज हो गया, ये तोला हो गया, ये कैरेट हो गया, और ये जो चौथा है इसमें जीएन नाम लिखा हुआ है। इसका मुझे थोड़ा मतलब कम पता है, फिर भी मैंने ये 4-5 इसके अंदर आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। ग्राम में है, ओज में है, तोला में है, और कैरेट में, और जीएन में। तो ये इसका सारा नाप तोल है। और अभी इसकी हम एक्यूरेसी को मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से इसकी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, ये यहाँ पे पीसेज यानी पीस में कन्वर्ट कर देगा कि आपके पास कितने पीस हैं और यूनिट्स हैं। ऑन ऑफ है, और टेयर का बटन है। टेयर का बटन, जैसे अगर आप माइनस में जाते हैं कोई ऊपर रखिए सेफ्टी के लिए, तो उसके लिए है। सो अभी मेरे पास कुछ जेमस्टोन हैं, उनका हम वज़न कर लेते हैं। और ये मेरे पास सुलेमानी हकीक जेमस्टोन है, जो कि ओरिजिनल ईरान से हैं। इसका जो वेट है 9.70 कैरेट है, ठीक है, ये मैं कैरेट में मेज़र कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसका, और जैसे सरफेस इसकी जो कम हो गई है, तो 9.60 कैरेट बता रहा है। तो कोशिश करें कि सरफेस पूरी इसकी टच होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो मेज़रमेंट है बहुत एक्यूरेट है, ठीक है ना, कैरेट में ये मेज़र कर रहा है। तो इसलिए इसमें थोड़ी जैसे हवा यहाँ पे इसके डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, हवा के डायरेक्शन में, ताकि इसमें नाप तोल में फ़र्क आ सकता है। सोने चांदी के जेमस्टोन के इसके नाप के लिए बेस्ट चीज़ है ये। और इसका दूसरे का जो नाप मैं कर लेता हूँ 12.20 कैरेट का है, फिर से मैं कर लेता हूँ, तो 12.15 कैरेट इसकी एक्यूरेसी है। और एक बार मैं और फिर से कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं 12.15 कैरेट, यानी इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ मैंने एक तो 20 ग्राम का ये वेट स्केल मंगाया पॉकेट, और एक 10 किलो का भी मैंने मंगाया है। सो उसका भी रिव्यू जल्द करेंगे। ये है येलो हकीक, एंड ये 10.8 कैरेट का है। एंड अभी मैं मेरी रिंग का वज़न कर लेता हूँ, ये कैरेट में है, 52.90 कैरेट यहाँ पे इसका वज़न है। सो ये भी येलो हकीक की रिंग है मेरे पास, आप काफ़ी मेरे वीडियो में देखते होंगे इसे पहने हुए। सो ये है रिंग, ठीक है ना। साथ में मैं अब एक जो मेरा फ़ोन है उसका रिव्यू कर लेता हूँ। अभी भी मैं इसका वेट जो है कैरेट में कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए 400 कैरेट आ रहा है। सो अभी मैं इसकी यूनिट जो है ग्राम में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अभी आप इसका वज़न देख सकते हैं, 80 ग्राम तक इसका वज़न आ रहा है। फिर से मैं इसका वज़न कर लेता हूँ, तो भी आपको 80 ग्राम ही बताएगा, यानी इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। और आप को अगर ऑनलाइन आप ले रहे हो अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। वहाँ पे कॉस्टली इसकी जो प्राइस है वो मुझे 200 रुपये मिली है। आप डायरेक्ट होलसेलर से लीजिए, और इसकी जो डायमेंशन आप देख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट होलसेलर से ले, जहाँ से आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।